हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक झटपट तैयार होने वाला लेकिन सेहत से भरपूर ड्रिंक। ये हम बनाएंगे चना सत्तू से और ये है चना सत्तू शरबत। इसे मैं आज आपको दो तरह से बनाना बताऊंगा। बेसिकली ये दो फ्लेवर में आपको बनाना बताऊंगा। एक हो जाएगा आपका नमकीन फ्लेवर और दूसरा हो जाएगा मीठा और खट्टा फ्लेवर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, नमकीन फ्लेवर के लिए मैंने ऑलरेडी सेटअप तैयार करके रखा हुआ है जो जो मुझे चाहिए। तो चलिए एक एक करके ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल और इसमें ऐड करेंगे चना सत्तू। इसे कितना लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको थिक बनाना है या थिन। तो अब इसमें धीरे धीरे करके हम लोग पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे हम घोल लेंगे और जो भी इसमें दाने वगैरह रहेंगे इसको मिला लेंगे। देख लीजिए ये अच्छे से मिल गया है, घुल चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐड कर दीजिए अब भुना हुआ जीरा जिसे हमने पीस लिया था। हमने कुछ ग्रीन चिलीज कट कर लिए थे और इसका बीज हमने निकाल लिया हुआ था, ऐड कर देंगे। ये अनियन कट किए हुए थे, ऐड कर देंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं लेकिन अनियन ऐड करने से इसमें अच्छा फ्रेशनेस रहता है। मिक्स कर लीजिए अच्छे से और पानी ऐड करते रहिए। अब थोड़ा इसमें हम नींबू रस मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसे इस ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा धनिया पत्ती। बेसिकली ये जो चना सत्तू है ये समर सीजन में लोग प्रेफर करते हैं, इसीलिए इसमें कोरिएंडर लीव्स और ये ऑनियंस ये ऐड करना होता है। और आप प्रेफर कीजिएगा ये सत्तू कोल्ड वाटर से बनाने के लिए, तो इसमें क्या आपका जो फ्रेशनेस रहेगा वो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं और दूसरा मेथड। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं मीठा सत्तू शरबत। सत्तू ऐड करने के बाद हम इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन पाउडर शुगर ऐड करने से क्या होगा ये जल्दी से घुल जाएगा। सेम वे में थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, फर्स्ट इसे मिक्स कर लीजिए। देन धीरे धीरे करके आप पानी ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से घोल लीजिए। देख लीजिए अच्छे से घुल गया है, अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम लोग अपने मेजरमेंट के हिसाब से वाटर ऐड कर देंगे। वाटर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए, आपको गाढ़ा चाहिए या फिर पतला वाला शरबत चाहिए। और लास्ट में हम ऐड करेंगे ये नींबू का रस। अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ग्लास में ले लीजिए। देख लीजिए हमारा ये ड्रिंक तैयार हो गया। तो आप भी अपना घर पे ये तैयार कर लीजिए। तैयार होने में ये बहुत ही झटपट तैयार होता है लेकिन पीने में बहुत ही रिफ्रेशिंग है। समर सीजन में जरूर एक बार अपने घर पे ट्राई कीजिए और आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।